आर्मी का जुनून तो जी खत्म हो लगा जब 4 साल लो वहां नौकरी करके गोबर घेरेगा। अरे फलाने का फौजी गोबर घेरता फिर है कर आया होगा 14 नौकरी का 14। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी को वोट देती आ रही है, पर जब ये ऐसे ऐसे कानून लाएंगे ऐसे ऐसे बिल पास करेंगे तो बीजेपी को कौन बढ़िया बता देगा। कोई सा नेता आ जाओ एक वर्षी काल दिखावा है 5 साल लगाया वो जा यही आकर गोबर घेरेगा 4 साल ड्यूटी करने के बाद भी। यो बात मैं से लिख के लेता हूं। मैं बस नू पता आके नू कहेंगे बाबूजी वोट चाह मैं तनु नहीं पता अगले बाबूजी है कौन। और जो हमारे आके बेचारे सांसद वे ये नूट जानते खपराना कहीं का और भी बस है क्या, बस केवल वोटिंग के टाइम पर खपराने की याद आती है जी। मैं राम राम भाई। राम राम भाई सारे ने। क्या नाम है भाई? पंकज पुंडीर। अच्छा पंकज ये बताओ 2024 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हो? मैं बात एक ही है, यहाँ तो कोई सा नेता आ जाओ एक वर्षी काल दिखावा है 5 साल लगाया वो जावे, अब बताओ वोट की सदे में। मैं तो बस नू पता आके नू कहेंगे बाबूजी वोट चाह मैं तनु नहीं पता अगले बाबूजी है कौन। बस वो है हमारे गांव के बैठे जी, इनसे पूछने नहीं नहीं पता हमारा का सांसद कौन है, बस नु जाना की मोदी को वोट देनी क्यों बेचारे इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मोदी को वोट देती आ रही और किसी को जानते नहीं। और जब हमारे यहाँ के बेचारे सांसद वे ये नूट जानते खपराना कहीं का और भी बस है क्या, बस केवल वोटिंग के टाइम पर खपराने की याद आती है जी ने। अच्छा एक सबसे बड़ा मुझे इनके मोदी जी के ये गलत लगा है, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने एक कानून पास कराया है ड्राइवरों के ऊपर, जो आपको भी पता होगा कि उसमें है 10 साल का जुर्माना और 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा। आप ये बताओ अगर कोई ड्राइवर गाड़ी लेकर चलता है क्या आप वो चाहेगा कि मेरे हादसे की इसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई चीटी भी मर जाए? अगर कोई सच्चा ड्राइवर होता है वो भी चीटी को बचा के चलता है, और उन्हें हमारे गृह मंत्री जी ने क्या करा है कि बिल पास कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, 10,000 रुपए कमाने वाला 10 लाख रुपए कहाँ से देगा? जो अपने बच्चे को नहीं पाल सकता है वो किसी को 10 लाख रुपए कहाँ से देगा? तो मुझे तो ऐसा लग रहा तुम्हारी बातों से कहीं ना कहीं तुम बीजेपी से तो नाराज नहीं हो। नहीं जी बीजेपी से नाराज तो नहीं है, मैं तो आपसे पहले कही है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी को वोट देती आ रही है, पर जब ये ऐसे ऐसे कानून लाएंगे ऐसे ऐसे बिल पास करेंगे तो बीजेपी को कौन बढ़िया बता देगा। एक हमारे युवा बच्चे बैठे है, ये मेरा भाई है, इसकी चॉइस इंडियन आर्मी की है, 4 साल से तैयारी करता करता होगी, 4 साल इसकी नौकरी में चली जाएगी, तनु पता यू क्या कर लेगा, यू यही आकर गोबर घेरेगा 4 साल ड्यूटी करने के बाद भी। यो बात में से लिख के ले तुम। हाँ भाई तो क्या नाम है तुम्हारा? आशु शर्मा। अच्छा आशु, तो आशु आर्मी की तैयारी कर रहे हो? जी। बोट वोट बन गई? नहीं जी अभी नहीं बनी। अच्छा तो आर्मी की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा ये बताओ 4 साल नौकरी करते होगे तुम्हें वो तैयारी करते हुए और 4 साल की नौकरी है तो अब भी जुनून है आर्मी का? हाँ जी। करोगे? हाँ जी। आर्मी का जुनून तो जी खत्म हो लेगा जब 4 साल लो वहां नौकरी करके गोबर घेरेगा, आगे वहां नू कहेगा ले भली आर्मी की नौकरी के नू कहेगा अरे फलाने का फौजी गोबर घेरता फिर है कर आया होगा 14 नौकरी का 14 बन गया सरकारी। तो जी ऐसे नहीं हो करता, ये सरकार जो है थोड़ी सी वो कर रही है गलत।